Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and आपकी preparation भी बहुत अच्छे से चल रही होगी. So, आज लेकर आई हूँ आप सभी के बीच एक बहुत ही जबरदस्त government job की update जो कि direct निकल के आ रहा है DSSSB various post recruitment 2023 के लिए. ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न, इनिशियल इन हैंड सैलरी, जॉब लोकेशन, सारा कुछ बताने वाली हूँ. तो अगर आप भी इस जॉब को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. तो चलिए अब हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स कि DSSSB वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट आई है आपको TGT, PGT एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के ऊपर. TGT मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और ये आपको पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए होता है. असिस्टेंट ग्रेड D आपका हो गया नॉन टीचिंग वाला और ये आपको DSSSB का मतलब होता है फ्रेंड्स दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसकी तरफ से ये रिक्रूटमेंट आया है. टोटल पोस्ट यहाँ पे आपको 1841 रखा गया. तो आइए हम लोग देख लेते हैं पोस्ट वाइज कितना कितना वैकेंसी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. पीजीटी वालों के लिए 47 सीट है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 6 सीट है, टीजीटी स्पेशल आपका 581, म्यूजिक टीचर का 182, नॉन टीचिंग आपका 1025 सीट्स यहाँ पे रहने वाला है. ओवरऑल 1841 सीट्स है. सो चलिए हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि आपका ये फॉर्म कब से स्टार्ट होना है और कब लास्ट डेट है अप्लाई करने का. तो फ्रेंड्स, जैसा देख सकते हो इम्पॉर्टेंट डेट में आपका फॉर्म 17th of August 2023 से स्टार्ट होने वाला है. लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 15th of September 2023 रहने वाला है. तो आपको 15th September का वेट नहीं करना है, 17 अगस्त से जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होता है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर ही दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए. फॉर्म की फी अगर हम लोग देखें तो जनरल OBC EWS से 100 रुपीज लिया जा रहा है. वहीं पे SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड का यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है. ऑल कैटेगरी फीमेल का भी कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है. अब बता दूं आपको कि एज लिमिट, तो फ्रेंड्स योर एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 15th of September 2023. मिनिमम एज 18 इयर्स है, मैक्सिमम एज 37 इयर्स. तो मतलब ये पोस्ट वाइज ना मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों ना वेरी करता है. तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा आप नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेना कि किस पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट रखा गया है. क्वालिफिकेशन भी आपका पोस्ट वाइज डिफर करते हैं तो मैं बस सिंपली एक मोटा मोटी तौर पे आपको समझा देती हूँ. अदरवाइज इसका नोटिफिकेशन ना मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी तो आप वहाँ से जाके नोटिफिकेशन देख सकते हो. TGT के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन प्लस BEd होना चाहिए आपका. PGT के लिए मास्टर्स में मिनिमम 45% होना चाहिए प्लस BEd एंड CTET क्वालिफाइड होने चाहिए. और PGT टीचर्स को एक्सपीरियंस चाहिए होता है 3 इयर्स का, हाई स्कूल में आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगता है. PRT के लिए 12th में आपको 50% होना चाहिए फ्रेंड्स एंड CTET क्वालिफाइड आप होने चाहिए. सो आई होप कि आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझ गए होंगे. अब बारी आती है सिलेक्शन की प्रोसेस की. तो आपकी सिलेक्शन ना मेजर 2 स्टेज पर डिपेंडेबल रहने वाला है. फर्स्ट आपका रिटेन एग्जाम होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. तो आइए हम लोग रिटेन एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं तीनों पोस्ट के लिए, TGT, PGT एंड PRT वालों के लिए. TGT का एग्जाम पैटर्न है फ्रेंड्स 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 2 आवर्स में होगा, 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा. जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, इंग्लिश का भी रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए एंड सब्जेक्ट स्पेशल यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए. ओवरऑल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 2 आवर्स का आपका पेपर होने वाला है. PRT एंड नर्सरी का भी सेम ही पैटर्न है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 2 आवर्स में होगा, निगेटिव 0.25 का.
रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, हिंदी और जनरल अवेयरनेस इसका भी 20 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, सब्जेक्ट स्पेशल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। सो ओवरऑल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के 2 आवर्स में होगा, निगेटिव 0.25 करेगा। आइए अब बता दूं आपको पीजीटी का एग्जाम पैटर्न। तो फ्रेंड्स इसका थोड़ा सा उससे हाई लेवल का है, तो 300 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए एंड 3 आवर्स में ये पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें भी आपको निगेटिव 0.25 का रहने वाला है, पर क्वेश्चन 1 मार्क का आपका रहेगा। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, इंग्लिश एंड हिंदी के 20 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, सब्जेक्ट स्पेशल फ्रेंड्स यहाँ पे 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए पूछने वाला है। रही बात फ्रेंड्स जॉब लोकेशन की, तो डीट ट्रिपल एससी की तरफ से वैकेंसी निकली है, तो ऑब्वियस ही बात है कि दिल्ली में ही आपका पोस्टिंग होने वाला है। टीचर की पोस्ट है, बहुत अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स। तो चलो मैं बता देती हूँ कि इनिशियली इनहैंड सैलरी आपको क्या दिया जाएगा, तीनों जो है पीजीटी टीजीटी एंड आपको पीआरटी की पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स पीजीटी वालों को इनहैंड सैलरी मिलता है 59,042 रुपीस पर मंथ का, टीजीटी को 56,246 रुपीस पर मंथ का, पीआरटी यानी जो पीआरटी होते हैं ना प्राइमरी टीचर्स एंड नर्सरी वालों को यहाँ पे 35,400 रुपीस पर मंथ की सैलरी दी जाती है। तो फ्रेंड्स ये सैलरी तो बस आपको नोटिफिकेशन में बताया जाता है, स्टार्टिंग में अगर आपको इतना मिलता है तो धीरे धीरे इंक्रीमेंट होके ना आपका अच्छा खासा सैलरी हो जाता है, अच्छा खासा आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने आपको जो डिटेल बताए हैं डी ट्रिपल एस वी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अदरवाइज और भी ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हो मुझसे तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल है तो सबका लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो फ्रेंड्स मिलूंगी आपसे फिर से न्यू जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।